और चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके के आदित्य कॉलेज के बाहर छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों में फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक फायरिंग करने वाले फरार हो गए थे। पुलिस ने फायरिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुझे दो तीन दिन से कह रहे थे आज वो बात करनी है, उससे बात करनी है। ठीक है, होगी कुछ आपसी क्योंकि पारिवारिक संबंध है। हम पहुंचे, मैं और बड़े भाई से मेरे ड्राइवर वहां पहुंचे, तो सडन इन्होंने गाली गलौच करी। गाली गलौच के बाद आपस में इन्होंने गुत्थम गुत्थी शुरू हुई, फिर तीन चार लोग और आ गए इनके साथ के, इन्होंने हवाई फायर शुरू करे, मेरी तरफ एक फायर किया, भाई साहब के सर में लगी। मतलब 22 गाड़ियां थी इनकी, होंडा सिटी थी, मेरे सर में थे। मैं जानता हूँ मेरे दोनों, मेरे पारिवारिक संबंध और लड़कों से दोनों से रौनक बात और समझ बात। ये घटना आदित्य कॉलेज की है, यहाँ पे बीकॉम सेकेंड ईयर के दो छात्र हैं, जसकरण है और दूसरे का नाम है रौनक। ये दोनों बीकॉम सेकेंड ईयर में, इन लोगों में आपस में विवाद हुआ है दोनों पक्षों में, और फायर भी हुआ है कट्टे से, ये भी बात सामने आई है। मुख्य विवाद का कारण सामने नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। फायर का इसमें दो मतलब एक ही तरफ से, रौनक गार्ड की तरफ से फायर हुआ है, तीन चार राउंड फायर हुआ है।